नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अब तक किसी ने भी नामांकन नहीं भरा, आयोग ने पूरी तैयारियां की। पहले श्राद्ध तो अब टिकट नहीं बांटने के कारण रुका नामांकन। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। भिवानी में अभी तक एक भी नामांकन नहीं भरा गया, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी है। उपमंडल अधिकारी व चुनाव रिटर्निंग अधिकारी सतीश कुमार का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भिवानी से किसी भी पार्टी द्वारा कोई भी नामांकन नहीं भरा गया, क्योंकि किसी भी पार्टी ने अभी तक चुनावी टिकट की घोषणा नहीं की है, जिसकी वजह से लघु सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग भी टिकट की घोषणा सुनने के लिए टीवी पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। लघु सचिवालय में जहां सिर्फ हर जगह पर पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है, तो वहीं चुनाव की घोषणा होते ही राजनेताओं की लाइनें लग जाती थी। कई राजनेता तो अपने को न्यूज लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। इस बार चुनाव की बेशक घोषणा हो गई है, लेकिन अभी तक लघु सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। भिवानी के रिटर्निंग अधिकारी व भिवानी उपमंडल अधिकारी नागरिक सतीश रैनी का कहना है कि उनकी तरफ से तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं, जबकि कोई भी चुनाव के लिए फार्म भरने नहीं आया और अगर कोई आता है तो उनका फार्म भरवा देंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने मत का सही उपयोग करें। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। करना चाहेंगे सर आप भिवानी? मैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र के, इनफैक्ट भिवानी जिला के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि आने वाले 21 अक्टूबर को हमारे यहां पर विधानसभा के लिए आम चुनाव होने जा रहा है। 5 वर्षीय त्यौहार है, लोकतंत्र का त्यौहार है, और इसमें हम सब की ये भागीदारी बनती है कि हम सब मिलकर के इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपना अपना मत डालें, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर और भय के मतदान करें और एक अच्छी सरकार बनाने में, अपने प्रतिनिधि चुनने में जो है वो लोकतंत्र के इस त्यौहार को सफल बनाए। जागरूकता के लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सब तमाम मतदाता जागरूक हों। इसके लिए हम स्कूल कॉलेजों के माध्यम से भी स्वीप का प्रोग्राम चलाया जा रहा है और मतदान की तिथियां भी हम स्थान स्थान पर शहर में लगाएंगे कि भाई किस दिन मतदान है। 21 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मतदान होना है और उस दिन छुट्टी का दिन है। हमारे सभी मतदाताओं से अपील है कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू। एलिमेंट छपा के आ जाएगा एक दो दिन में, उसका वोटर लिस्ट हमारे पास जैसे ही एक उसका परफॉर्म आना होता है सीओ ऑफिस से, हमने प्रेस यहाँ तैयार कर ली है जिससे हमने उसको प्रिंट कराना है, तो उस सभी वोटर लिस्ट स्लिप को भी जैसे ही पूरी हमारे पास सूची आ जाती है तो उसको भी वितरण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। और आज की समय का जो आपके साथ चर्चा था, इसका विषय दूसरा ये भी था, अभी हमने जो चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार जो भी एक्सपेंडिचर कवर करने की टीम्स थी, SSTs हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, VSTs हैं, उनको सब कंक्लूड कर दिया गया है और वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन से 24/7 वो अपना कार्य कर रही हैं और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्व की पहली मीटिंग्स हो चुकी है हमारे यहाँ पर, वो आ चुकी हैं पुणे से IR ऑफिसर 2013 बैच के, और जनरल ऑब्जर्वर्स हैं वो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन जो आखिरी डे ऑफ नॉमिनेशन होता है उस समय तक उनको पहुँचना होता है, स्क्रूटनी उनके प्रेजेंस में होती है और जो भी समय रहेगा अब चुनाव तक वो लोग फील्डिंग कर रहेंगे। हमारे यहाँ 3 जनरल ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जर्वर आ रहे हैं, तो भवानीखेड़ा और दादरी विधानसभा के लिए 1 है, भिवानी और तोशाम के लिए 1 है, और लोहारू और नलवा जो हिसार में बढ़ता है उसके लिए 1 जनरल ऑब्जर्वर आ रहा है। और कल अपना नगर प्रधान जी इवक